हाय फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई पी 24 सी ट्वेंटी फोर में स्वागत है तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे फ्रेंड्स ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट चौहत्तर है तो अगर आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो के अंत तक बने रहिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो एक सौ इक्यावन नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा क्वेश्चन है आपका कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया प्रस्ताव का उद्देश्य था कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 सौ में पारित किया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य आपको बताना है ऑप्शन ए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार परंतु ऐसा नहीं हुआ बी है स्व शासन सुनिश्चित करना सी है उत्तरदायी सरकार डी है स्वयं की सरकार तो आंसर हो जाएगा आपका भी स्वशासन सुनिश्चित करना कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना स्वशासन को प्राप्त करना व्याख्या देख लीजिए कांग्रेस ने स्वराज संबंधित प्रस्ताव पर वर्ष सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की कांग्रेस ने स्वराज संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या किया था? चर्चा किया था था चर्चा किस पे बनारस अधिवेशन पे चर्चा किया था तो स्वराज पे चर्चा किया था स्वराज पर उन्होंने बनारस अधिवेशन पे पहली बार चर्चा किया वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया जो उन्होंने चर्चा किया था स्वराज संबंधी उसको 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने पारित कर दिया था क्या वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित कर दिया गया इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए कौन कौन से स्वदेशी जैसे स्वराज तो पारित किया गया उसके साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए आपके कलकत्ता अधिवेशन में तो इन सब चीजों को जरूर नोट करिएगा आगे देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दो बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई ए ऑप्शन है कांग्रेस के आंदोलनकारी रणनीतियों पर कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी पर तो उपयुक्त सभी का जो उपयुक्त सभी कारण हैं उन्होंने कांग्रेस के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो सभी कारण हैं उपयुक्त सभी के कारण क्या हुआ प्रारंभिक वर्षों में ही कांग्रेस में विभाजन शुरू हो गया व्याख्या देख लीजिए व्याख्या है आपका विश्वी सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपर रणनीति उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे वे यह महसूस न कर सकें कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद की दृष्टिकोण और राष्ट्रीय दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्म पंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरम पंथियों उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों एक दूसरे के महत्व को नहीं समझ पाए गर्मपंथी ये नहीं समझ पाए कि अगर नरमपंथी हैं हम कुछ गलत काम करते हैं कुछ वैसा मतलब कर देते हैं जो अहिंसा और हो, हिंसा होता है हिंसक भी कुछ काम कर देते हैं तो जो नरमपंथी है वो हमारे लिए कवच का काम करेंगे और नरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि जो अंग्रेज़ हमारी बातों को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें गर्मपंथियों का योगदान है गर्मपंथियों के डर से ही नरमपंथियों के बातों को सुना जा रहा है तो दोनों एक दूसरे के महत्व को कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए थे जिस कारण से ही 1907 में विभाजन हो गया था फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया विभाजन हो गया आगे चलते हैं दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा यह किसने लिखा है हर्बर्ट रिसले ने बी ए लॉर्ड लीटन ने सी ए डब्ल्यू डब्ल्यू हंटन ने डी एच एन फोर्ड ने ई ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा आपका सी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटन ने यदि क्या है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा यह कथन जो है डब्लू डब्लू हंटर का है उसने लिखा है व्याख्या में वही चीजें है दोस्तों डब्लू डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान ये अच्छा तथ्य है कि डब्लू डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक है तो उसका नाम है द इंडियन मुसलमान इसको याद रखिएगा मैं लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा आगे चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1920 में 1924 में 1928 में 1930 में तो आंसर हो जाएगा बी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 याद रखिएगा व्याख्या देख लीजिए देश के उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एच नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र सन्याल थे राम प्रसाद जोगेश चंद्र चटर्जी चंद्रशेखर आजाद का नाम है तो ए, इसकी स्थापना जो हुई है एच आर ए की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कब हुई है तो अक्टूबर 1924 में हुई है और कहाँ पे हुई है तो कानपुर उत्तर प्रदेश में और इसके जो संस्थापक सदस्यों में है उसमें प्रथम नाम आता है सचिंद्र सन्याल का रामप्रसाद बिस्मिल भी हैं और जोगेश चंद्र चटर्जी हैं चंद्रशेखर आजाद हैं तो दोस्तों इन लोगों के नामों को आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है पचपन नंबर क्वेश्चन और 2017 में पूछा गया है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई घोषणा पूछा है प्रभावी नहीं पूछा है घोषणा की गई थी कब की गई थी ये बताना है 19 जुलाई 1905 को 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। तो आंसर हो जाएगा 19 जुलाई सॉरी 19 जुलाई 1905 को क्या हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो ऑप्शन आपका ए सही है व्याख्या देख लेते हैं बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था बंगाल जो विभाजन है उसका जो प्रस्ताव है सर्वप्रथम कब रखा गया था तो 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था ब्रिटिश संसद के पटल पे। तो ये याद रखिएगी। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी कुछ स्रोतों में 19 जुलाई था कुछ जगह 19 जुलाई है लेकिन अधिकांश आपको 20 जुलाई ही मिलेगा दोस्तों क्वेश्चन में 19 दिया है ठीक है तो 20 जुलाई 1905 को की गई थी इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ बंगाल जो विभाजन हुआ था कब प्रभावी हुआ है तो सोलह अक्टूबर उन्नीस पांच को इसको याद रखिएगा उसकी संसद में पारित हुआ विभाजन का प्रस्ताव 1903 में 3 दिसंबर 1930 में घोषणा की गई थी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को प्रभावी कब हुआ था और ये प्रभावी हुआ लागू हुआ 1905 में 16 अक्टूबर को तो इसको याद रखिएगा इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की क्या की सलाह की और इसी के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन 1905 स्टार्ट हो जाता है बंग भंग के बाद आगे चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया लाड करजन अलग है एक करजन वायली हैं करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे दंड दिया गया था मदन लाल ढिंगरा को उधम सिंह को भगत सिंह को मंथ नाथ को तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ मदन लाल ढिंगरा करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था ऑप्शन ए सही है व्याख्या देखिए करजन वायली की हत्या एक जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढिंगरा ने गोली मारकर कर दी थी वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढिंगरा को फांसी की सजा दी गई थी करजन वायली की हत्या किया इन्होंने 1 जुलाई 1909 को 1 जुलाई 1909 को हत्या किया और 17 अगस्त 1909 को ही फांसी दे दी गई देखिए आप जुलाई अगस्त मुश्किल से डेढ़ महीने के बाद उनको क्या है फांसी पे लटका दिया गया दोस्तों तो ये देखिए कैसा कानून था आज तो आपको न्याय मिलने में बहुत ही देरी हो जाएगी अगला क्वेश्चन है मॉन्टेस्कू चेम्स फोर्ट की रिपोर्ट मांटेस्कू जेम्स फोर्ट की रिपोर्ट दोस्तों न्याय नहीं था वो क्या था एक प्रकार से का दहशत फैलाने के लिए लोगों को क्या किया जाता था फांसी दिया जाता था मतलब ना जांच ना कुछ उसमें बस तुरंत जो पकड़ा गया उसको फांसी दो मृत्युदंड दे दो और जिससे कि क्या और राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं पनप ना पाए इसीलिए ऐसा काम और कर रहे थे लेकिन राष्ट्रवाद को रोकना उस समय नामुमकिन हो चुका था क्योंकि उन्नीस तक आते, आते आते आप देखेंगे कि 1907 में रूसी क्रांति भी अपने चरम पे थी तो वहां से भी लोग बहुत बड़ा सीख लेते हैं लोग और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि विदेशों में जो घटनाएं हो रही थी उससे भी भारत का राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था और ये बता दें आपको बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको पढ़ना है विश्व का इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको भी पढ़ना है जिसमें आपको जो पीछे स्टेट में पढ़े हैं मतलब बिहार स्टेट का जो एग्जाम दिए थे उन टॉपिक को जरूर आप पढ़ कर जाइए आगे देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी तो आंसर आपका जाएगा उन्नी जो है बी हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मानटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है किसका आधार बनी तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा व्याख्या देख लीजिए तत्कालीन भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेगू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया किस अधिनियम के बाद प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ट अधिनियम भी कहा जाता है 1919 आगे चलते हैं आपका एक नंबर क्वेश्चन न्यू लैम्स ऑफ ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी इस का लेख का लेखक कौन था अरविंद घोष एओ ह्यूम, जी के गोखले बी जी तिलक तो एक का आंसर हो जाएगा ए अरविंद घोष न्यू लैम्स आप ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किसने की थी तो वो किया गया था अरविंद घोष के द्वारा ऑप्शन ए सही है व्याख्या देख लीजिए तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी सम्र, सम, शक्तियों के समक्ष दुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला जिसका नाम था न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की है आगे चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला खां ऑप्शन बी है बी डी सावरकर और वासुदेव चापेकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस सूर्यसेन और उधम सिंह ऑप्शन ही है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह खां को फांसी दी गई थी तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी तो राम प्रसाद बिस्मिल और आसफ उल्लाह खां का नाम आप जरूर लीजिएगा इन्हीं को फांसी दी गई थी और आसफ उल्लाह खां पहले ऐसे मुसलमान थे जिनको फांसी दी गई थी ये भी तथ्य याद रखिएगा व्याख्या देख लीजिए अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सनयाल राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की इस संस्था का इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाल के काकोरी नामक स्थान पर आठ डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई इस कांड को इस कांड में उनतीस क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां रोशन लाल राजेंद्र लाहरी को फांसी हुई जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए तो इसमें चार लोग हैं जिसमें प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल हैं आसफ उल्लाह खां हैं रोशन लाल राजेंद्र लोहरी भी शामिल थे इनको फांसी दे दी गई थी किस कांड में काकोरी कांड में और काकोरी कांड कब हुआ था तो 9 अगस्त 1905 को कब हुआ था 9 अगस्त 1905 को काकोरी कांड हुआ था और इस जिस जिस ट्रेन पे इन्होंने कांड किया था जिस ट्रेन को लूटा था उसका नाम था आठ डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन और एक कहाँ स्थान पर लूटा गया था काकोरी कांड में और इन्होंने एक संस्था बनाई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनाई थी अक्टूबर 1924 में कौन कौन सम्मिलित थे सचिंद्र सान्याल राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद आदि और कहाँ बनाए थे कानपुर में बनाए थे तो इन सब तथ तथ्यों को जरूर नोट कर लीजिएगा आगे चलते हैं एक नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे कौन एक थे ये आपको बताना है बी आर अंबेडकर भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस जयप्रकाश नारायण तो इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों तो 160 का जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा भगत सिंह हो जाएंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट यहाँ पे हो गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के जो संस्थापक नेताओं में कौन है तो भगत सिंह है तो इसको याद रखिएगा व्याख्या देख लीजिए काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एच आर ए का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया किंतु बाद में विजय कुमार सिंह शिवप्रसाद नवरमा, जयदेव कपूर भगत सिंह भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एच आर ए को पुनर्संगठित करने का कार्य शुरू किया सितंबर अठार सितंबर 1928 में फिरोज कोटला मैदान जो दिल्ली में है में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें ई एच आर ए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया जिसको साठ कट में कहते हैं एच एस आर ए इसको याद रखिएगा आगे एक सौ इकसठ नंबर क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है और आपका बीपीएससी में पूछा गया निम्नलिखित पक्तियों को लिखिए लिखा है किसने लिखा है ये बताना है सर पड़ोसी की तबन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है बिस्मिल राजगुरु भगत सिंह आजाद तो किसने लिखा है तो बिस्मिल हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आप ए आपका सही हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल का ए लिखा हुआ है व्याख्या देख लीजिए उपयुक्त जो गजल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमा वादी की थी बिस्मिल अजीमा वादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एक वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी किस में छपी थी सबा ये याद रखिएगा और किसकी पत्रिका थी तो काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका थी वर्ष 1912 1922 में छपी हुई थी तो इन सब तथ्यों को ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध गीत सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है तो रचयिता कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल आपका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों तो डी आप आंसर कर लेंगे बासठ का डी सॉरी बासठ का डी नहीं होगा दोस्तों बासठ का ई हो जाएगा आपका आंसर ई के साथ जाएगा क्योंकि इसमें से कोई है ही नहीं ठीक है क्योंकि आपका बिस्मिल रहता तब होता लेकिन बिस्मिल है लेकिन ए नहीं है ठीक है रचयिता कौन है तो ए है ही नहीं सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है बिस्मिल है वो दूसरे बिस्मिल है ये राम प्रसाद वाले बिस्मिल नहीं है ठीक है व्याख्या ऊपर हमने बता बता चुके हैं जो बिस्मिल है वो अलग है ये अलग है यहाँ पे देखिए ये बिस्मिल अलग है ठीक है बिस्मिल जो उपयुक्त गजल की पक्तियां शायर बिस्मिल अजीमा वादी की थी बिस्मिल अजीमा वादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था वह 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूरी पे हरदास बिना गांव में क्या हुए पैदा हुए थे यह गज़ल उर्दू की लिखी गई थी और वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी तो हमें कन्फ्यूज़न है इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा राम प्रसाद बिस्मिल अगर है तो ये थोड़ा यहाँ पे हिंदू आ जा रहा है तो ये गलत हो जा रहा है बिस्मिल रहता तो वही आंसर हो जाते हैं आगे देखते हैं दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था ऑप्शन ए है इकबाल एम के गांधी भगत सिंह एस सी बोस तो ये आसान है भगत सिंह आपका आंसर हो जाएगा सी के साथ जाएगा व्याख्या में वही चीजें है इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी रचना किसने की थी मोहम्मद इकबाल इसको याद रखेगा किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा को चर्चित बनाने में भगत सिंह का ही योगदान है एक एक सौ चौसठ नंबर देखते हैं भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी तो आंसर हो जाएगा दोस्तों तेईस मार्च 1931 को फांसी दी गई थी तेईस मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी ऑप्शन ए सही है व्याख्या देख लीजिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के दो सदस्य भगत सिंह तथा बटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल उन्नीस को केंद्रीय असेंबली या केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया बाद में यच जो था एस आर ए के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो है यच एस ए आर ए जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का फुल आ, रूप है। इसी को याद रखिएगा। गिरफ्तार कर लिया गया क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षडयंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया वर्ष 1930 में लाहौर षडयंत्र कांड का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई तेईस मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदस्य उदासी में डूब गया था आगे देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी भगत सिंह की उम्र क्या थी ये बताना है 21 साल 21 साल से थोड़ा ज्यादा 21 25 साल 25 साल से थोड़ा ज्यादा उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक तो आंसर आपका बी हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा था क्या था 21 साल से थोड़ा ज्यादा व्याख्या देख लीजिए भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल उन्नीस को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा क्या थी ज़्यादा थी तो ऑप्शन आप आपका बी सही था तो फ्रेंड्स ये थे आपके पंद्रह क्वेश्चन और उनके व्याख्या अगर वीडियो अच्छी लगी हो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद साथियों नमस्कार